हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी शाम के कितना बजे पता नहीं, मैं छत पे वक्त पे आई हूँ और आज का ब्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। थोड़ी देर मैं सो गई थी इसलिए मैं थोड़ा सा पागल जैसा लग रही हूँ। और हाँ, आज मैं मम्मी लोग से मिलने गई थी होटल पे, फिर आके नहा हुआ लिया, फिर उसके बाद मैंने मम्मी लोग मेरे लिए क्या लेके आए मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। वो जैक फ्रूट का सीड्स है ना, वो लेके आए थे एंड कोचूर लोती, उसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तो उसका मैंने एक रेसिपी बनाया है, आप लोग देखिए अगर आप लोगों को पसंद आया तो, अगर आप लोग पहचान पाए तो बना के देखिएगा, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। और मुझे ये गरम गरम राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग एक बार बना के देखिएगा, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं पे शुरू कर रही हूँ। और ये देखिए मेरा घर से क्या आया है, ये है जैक फ्रूट का सीड्स। इसका सब्जी मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है एंड ये सिर्फ बंगाली लोग नहीं, नॉन बंगाली लोग भी खाते हैं, और मुझे इसका दाल भी बहुत पसंद है। और ये लाए है कोचूर लोती, इसको मैंने पहले बॉयल कर लिया क्योंकि इसमें कभी कभी खुजली भी होती है गले में, तो ये मैंने बॉयल कर लिया है एक छोटा सा इमली के साथ और थोड़ा सा नमक दे के। तो देखिए नरम हो चुका है, इसका मैं अभी सब्जी बनाऊँगी। तो पहले एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेती हूँ, यहाँ पर ज़्यादा तेल चाहिए तो मैंने 3-4 चम्मच के करीब तेल लिया है। उसके बाद मैंने डाल दिया है लहसुन, लहसुन मैंने यहाँ पर 6-7 कलियाँ लिया है, उसे क्रश करके डाल दिया है। उसमें तेल में से थोड़ा सा फ्लेवर आना शुरू करे, उसके बाद मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज मैंने मीडियम साइज का एक प्याज यूज़ किया है। इस सब्जी में लोग फिश भी यूज़ करते हैं, अंडे भी यूज़ करते हैं, मैं आज एकदम सिंपल सा बना रही हूँ क्योंकि मुझे सिंपल सा खाने का मन कर रहा था। ड्राई फिश भी यूज़ किया जाता है लेकिन मैं आज ड्राई फिश यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो देखिए प्याज नरम होने के बाद मैंने टमाटर डाल दिया था, तो टमाटर को मैंने ढक के पकाया था, टमाटर भी अभी नरम हो चुकी है। तो अभी मैंने इसे डाल दिया है, ये एक्चुअली अरबी के रूट से निकलता है, उसके बाद मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं। तभी मसाले डाल रही हूँ, मैंने यहाँ पर डाला है हल्दी पाउडर, नमक, नमक थोड़ा कम ही डाल रही हूँ क्योंकि बॉयल करते वक्त भी मैंने नमक डाला था, और लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ज़्यादा करके डाल दी, ये थोड़ा तीखा तीखा अच्छा लगता है। तो इसे अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी और इसे बहुत देर तक ढक के पकाना पड़ेगा ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए और नरम हो जाए सब्जी। तो ये नरम हो चुकी है, पूरा अच्छी तरह से पक चुकी है। तो लास्ट में मैं थोड़ा सा आम का पिकल डाल रही हूँ, आम का अचार डाल रही हूँ ताकि अगर ज़रा भी चांस हो खुजली होने का गले में तो नहीं होगी अचार डालने के बाद। तो इसे अच्छे से मिक्स करके मैं गैस को ऑफ कर दूँगी। तो देखिए ये तैयार हो चुकी है, मुझे ये गरम गरम राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अभी लंच की तैयारी कर ली है, मैंने राइस के साथ मैंने इसे ले लिया और साथ में मैंने फूल गोभी और आलू की सब्जी बनाई है। इसे बंगाली में कहते हैं फूलकोपी डालना, अगर आप लोगों को पता है। तो मैं अपना लंच अभी ख़त्म कर रही हूँ।
तो देखा आप लोगों ने पूरा ब्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को? और हाँ, मम्मी लोग जो लाए हैं, मैंने दिखाया जो जैक फ्रूट सीड्स एंड कोचूर लोती, वो खराब हो जाएंगे इसलिए पहले भेज दिया है। और वैसे भी और भी बहुत कुछ लाए हैं, जैसे हम दोनों के लिए कपड़े, फिर खीर बनाने वाला चावल जो होता है ना, एरोमेटिक राइस, वो फिर जैगरी, डेट्स जैगरी जो होता है, खजूर वाला गुड़, वो सब और भी कुछ कुछ लाए हैं। वो जब वो लोग आएंगे एक साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मेरा मम्मी ने उधर से कुछ नहीं लाया, ऑनलाइन में पापा ने भेज दिया है मिंत्रा से साड़ी, फिर उनके लिए शर्ट। तो मैं जब एक साथ दिखाऊंगी तो साड़ी भी एक साथ दिखाऊंगी आप लोगों को। ओके, तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, आप लोग आजकल लाइक कम कर रहे हैं, लाइक कीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।